इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहलवान सागर हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा, 4 मई की रात मर्डर से कुछ घंटे पहले सुशील का गैंगस्टर काला जठेड़ी के रिश्तेदार सोनू महाल सागर समेत कई लोगों से हुआ था झगड़ा। सोनू महाल और उसके साथियों ने सुशील का कॉलर पकड़कर दी थी धमकी। बेइज्जती का बदला लेने के लिए सुशील ने बदमाश बुलाए। बदला लेने के लिए सुशील ने लिया नीरज बवाना और काला सौदा गिरोह का सहारा। 4 मई की रात सागर समेत 5 लोगों की बुरी तरह से पिटाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सुशील से पूछताछ के लिए मनोवैज्ञानिक एक्सपर्ट का लिया सहारा। पुलिस कस्टडी में भी सवालों को घुमा रहा है सुशील। पहलवान सुशील कुमार की मां पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, मीडिया रिपोर्टिंग रोकने की मांग की। काला सौदा गैंग के गुर्गों से आज सुशील कुमार का सामना। क्राइम ब्रांच गिरफ्तार किए गए भूपेंद्र, गुलाब, मंजीत और मोहित के सामने बिठाकर करेगी पूछताछ। मेहुल चौकसी की डोमिनिका से भारत प्रत्यर्पण की तैयारी। एंटीगुआ के पीएम गैस्टन ब्राउन ने कहा चौकसी को भारत के हवाले करेंगे। मेहुल चौकसी के खिलाफ इंटरपोल ने जारी किया था येलो नोटिस, सूत्रों की खबर। बोर्ड से डोमिनिका भागा था। नई गाइडलाइंस पर ट्विटर ने मांगा 3 महीने का और वक्त। बयान जारी कर कहा भारत का कानून मामले के लिए प्रतिबद्ध। एनबीए प्रेसिडेंट रजत शर्मा ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखी चिट्ठी। एनबीए ने न्यूज चैनल और चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सोशल मीडिया की नई गाइडलाइंस से राहत देने की मांग की। रजत शर्मा ने लिखा एनबीएससी के तहत न्यूज चैनल्स के लिए सेल्फ रेगुलेशन की गाइडलाइंस 2008 से ही मौजूद। व्हाट्सएप को भारत सरकार का जवाब, निजता के अधिकार का पूरा सम्मान करती है भारत सरकार। सरकार ने कहा अपराधियों को बेनकाब करना और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकना मकसद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा सरकार आलोचना सवालों का स्वागत करती है, नए नियम यूजर्स को मजबूत करने वाले हैं। बीजेपी ने विपक्ष पर लगाया वैक्सीन और ब्लैक फंगस की दवा पर भ्रम फैलाने का आरोप। वैक्सीनेशन पर केंद्र राज्य मिलकर करते हैं काम। संबित पात्रा का सीएम केजरीवाल पर हमला। दिल्ली सरकार ने अपने दम पर केवल 13% लोगों का किया टीकाकरण। दिल्ली को अब तक 45,46,000 वैक्सीन फ्री में दी गई। संबित पात्रा ने कहा दिल्ली सरकार ने अब तक मात्र 8 लाख वैक्सीन खरीदी, प्राइवेट अस्पतालों ने 9,04,000 वैक्सीन खरीदी। संबित पात्रा ने कहा दिल्ली को ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की सप्लाई में कमी नहीं, दिल्ली को ब्लैक फंगस के 4,550 इंजेक्शन दिए गए। संबित पात्रा ने केजरीवाल से पूछे सवाल, बताया कितनी वैक्सीन का इस्तेमाल किया, स्पुतनिक वैक्सीन का कितना ऑर्डर दिया, केजरीवाल के 44 ऑक्सीजन प्लांट के वादे का क्या हुआ। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने को लेकर सरकार का जवाब, फाइजर मॉडर्ना जॉनसन एंड जॉनसन से बात की, सरकार की कोशिश से स्पुतनिक के ट्रायल में तेजी आई। वैक्सीन अप्रूवल पर भी बोली सरकार, वैक्सीन की मंजूरी के नियम आसान की, एफडीए, ईएमए, एमएचआरए, पीएमडीए से अप्रूव वैक्सीन बिना रोक के आ सकती है। सरकार ने कहा कोवैक्सीन का प्रोडक्शन 3 और कंपनियों में होगा। भारत बायोटेक के 4 और प्लांट में भी उत्पादन शुरू। सरकार ने राज्यों को वैक्सीन सप्लाई नहीं करने के आरोप को बताया गलत। कहा जो भी वैक्सीन खरीदी गई वो राज्यों को दी गाइडलाइंस के मुताबिक सप्लाई की जाएंगी। मोदी कैबिनेट की मीटिंग में वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष की पॉलिटिक्स पर हुई चर्चा। टीकाकरण पर विपक्ष के गलत नैरेटिव चलाने पर हुई बात। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य मंत्री से कहा सही और साइंटिफिक तथ्य के साथ विपक्ष के गलत नैरेटिव और भ्रम फैलाने की कोशिश का जवाब देना जरूरी। वैक्सीनेशन पर प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स, सरकार से किया सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक भारत आज वैक्सीन की कमी से क्यों जूझ रहा है। कोरोना कंट्रोल करने के लिए एक्शन में योगी, यूपी के हर जिले में बनेगा पेरेंट स्पेशल बूथ। प्राथमिकता के आधार पर माता पिता को लगेगा टीका। टीचर और सरकारी कर्मचारियों के लिए हर जिले में बूथ का गठन। वैक्सीन की कीमत पर राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर का सवाल। भारत सरकार को 150 रुपए में मिलने वाली कोवैक्सीन और कोविशील्ड राज्यों को 300-400 में क्यों। हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने कहा देश में वैक्सीन की एक ही कीमत रहनी चाहिए, ग्लोबल टेंडर से वैक्सीन खरीदे तो कीमत 4 गुना और हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की कोशिश रंग लाई। महाराष्ट्र के वर्धा में शुरू हुआ ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन बी इमल्शन का उत्पादन। जेनेटिक लाइफ साइंसेस ने तैयार किया ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। 7,000 में बिकने वाला इंजेक्शन अब 1,200 रुपए में मिलेगा। सोमवार से 1,200 में मिलने लगेगा ब्लैक फंगस का इंजेक्शन। कोरोना की दवा कॉकटेल का दिल्ली में आज से इस्तेमाल शुरू। 2 एंटीबॉडीज को मिलाकर बनती है ये कॉकटेल दवा। पहले से बनी बनाई इम्यूनिटी को मरीज की नसों में डाला जाता है। कॉकटेल दवा से कोरोना मरीज का 1 दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज होगा। कॉकटेल की एक डोज की कीमत 59,750। यूपी के सिद्धार्थनगर में कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। 20 लोगों को वैक्सीन की अलग अलग डोज दी गई।
मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं, अब बिना रजिस्ट्रेशन भी लगेगा टीका। दिल्ली में व्हाइट फंगस का अनोखा केस, व्हाइट फंगस ने मरीज के दोनों हाथों में किए छेद, गंगाराम अस्पताल में आया दुनिया का पहला केस। व्हाइट फंगस ने मरीज की फूड पाइप में भी छेद किया, अस्पताल में सर्जरी के बाद हुआ इलाज। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़े, देश भर में ब्लैक फंगस के करीब 12,000 केस, ब्लैक फंगस के महाराष्ट्र में 2,245, गुजरात में 2,165 मामले। ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर दवा एम्फोबी को कमी, बोली मुंबई की मेयर, कहा मुंबई में इंजेक्शन की कमी नहीं, जरूरतमंदों को मिल रहा है इंजेक्शन। सूरत में म्यूकर माइकोसिस के मरीजों में दिखे 5 तरह के फंगस, डॉक्टर्स बोले सावधानी नहीं बरती तो किसी को भी ये फंगस चपेट में ले सकते हैं। नागपुर में रोजाना 25 से 30 मरीज हो रहे हैं भर्ती, इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की है किल्लत, ब्लैक फंगस के कुल मरीजों का आंकड़ा 400 के करीब। लाल किले के हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल, दिल्ली पुलिस का खुलासा, लाल किले को प्रोटेस्ट साइट बनाना चाहते थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा लाल किले में सोची समझी साजिश के तहत दाखिल हुए थे प्रदर्शनकारी, 2020 के नवंबर और दिसंबर में रची गई थी साजिश। दिल्ली पुलिस के मुताबिक किसान मार्च के लिए ट्रैक्टर भी खरीदे गए थे, दिसंबर में 94% ट्रैक्टर की खरीद बढ़ी थी। दिल्ली के डाबरी इलाके में ग्लव्स की धोखाधड़ी का खुलासा, फैक्ट्री में पुराने ग्लव्स धोकर कर रहे थे नए पैकेट्स में पैक। दिल्ली में गुब्बारे के सहारे कुत्ते को हवा में उड़ाने वाला यूट्यूबर गिरफ्तार, मालवीय नगर पुलिस ने किया अरेस्ट। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने साधा दिल्ली सरकार पर निशाना, गंभीर बोले ये राजनीति का समय नहीं, हमें देश को बचाना है, दिल्ली को बचाना है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से आई राहत देने वाली तस्वीर, शहर में कोरोना के मामले घटे तो प्रवासी मजदूर दिल्ली लौटने लगे। मुंबई के अंधेरी में मिलावटी दूध के गोरख धंधे का पर्दाफाश, क्राइम ब्रांच की टीम ने छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र पुलिस पर बरसा कोरोना का कहर, अब तक 420 से ज्यादा पुलिस वाले और अधिकारियों की हुई मौत, दूसरी लहर में 3,000 से ज्यादा संक्रमित। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का किया उद्घाटन, गाड़ी में बैठे बैठे हो रहा है वैक्सीनेशन। आगरा से आई एक दिल दहला देने वाली खबर, मेडिकल कॉलेज के सामने 3 घंटे तक इलाज के लिए तड़पती रही महिला, इलाज न मिलने पर तोड़ा दम, प्रिंसिपल ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। लखनऊ में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले दो लोग गिरफ्तार, खुद को जीएसटी विभाग का असिस्टेंट कमिश्नर बताने वाले ये लोग करते थे रेमडेसिविर की कालाबाजारी। यूपी के गाजियाबाद में दिन दहाड़े लाखों की डकैती, हथियारों से लैस बदमाशों ने महिलाओं बच्चों को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में आग, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पाया काबू। छत्तीसगढ़ में कोबरा बटालियन के जवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान सुकमा के वन क्षेत्र में 5 किलो का आईडी मिला, निष्क्रिय किया गया। अयोध्या मथुरा और काशी के तर्ज पर होगी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा, 272 पुलिसकर्मी तैनात होंगे, परिसर में इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर भी होगा। पटना का महावीर मंदिर लेगा बैंक से लोन, कोरोना काल में लोगों की सेवा का काम ना रुके इसलिए मंदिर ने लिया लोन का फैसला। बिहार के आरा में शराब पार्टी में पुलिस ने मारी रेड, 3 वार्ड पार्षद और 4 वार्ड पार्षद के पतियों को भेजा जेल। यूपी के नोएडा में पुलिस ने फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 4 लोग गिरफ्तार, बड़ी संख्या में कंप्यूटर बरामद। मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंची, मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 99.94 रुपए हुई। एनसीपी नेता शरद पवार से मिलने पहुंचे बीजेपी सांसद संभाजी राजे छत्रपति, कहा मराठा आरक्षण के लिए सभी नेताओं और पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत। आज दोपहर 3:30 बजे राज ठाकरे से मिलेंगे संभाजी राजे, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सभी पार्टियों को एक साथ लाने का कर रहे हैं प्रयास। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि आज, राहुल गांधी ने शांतिवन समाधि स्थल जाकर दी श्रद्धांजलि। नॉर्थ 24 परगना के अशोकनगर से टकराया टोर्नेडो, 40 से 50 घर हुए तबाह। झारखंड के लातेहार में बारिश के बाद धरधरी नदी में आई बाढ़, बुलेरो गाड़ी तेज ढाल में फंसी। पश्चिम बंगाल में दिख रहा है यास तूफान का आफ्टर इफेक्ट, दीघा के पास समंदर में हाई टाइड, समंदर की लहरें बाउंड्री के पार तक पहुंची। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सर्वे ने यास प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया, नुकसान का लिया जायजा। नॉर्थ 24 परगना में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, लोगों को घर में रहने की दी गई सलाह। साउथ कोलकाता में भी यास का असर, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बंगाल के तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे ममता बनर्जी, 28 और 29 मई को हालात का लेंगी जायजा। यास तूफान से करीब 3 लाख घरों को पहुंचा नुकसान, जगह जगह कच्चे मकान तबाह, पेड़ भी उखड़े। भद्रक में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कुछ सड़कें भी क्षतिग्रस्त। यास तूफान ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मचाई भारी तबाही, 4 लोगों की गई जान। भद्रक में तूफान के दौरान तबेले पर गिरा पेड़, फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू कर फंसे हुए सभी गायों को बाहर निकाला।
ईस्ट मिदनापुर के तालागाछी में भरा पानी, आर्मी ने रस्सियों और बोट के सहारे लोगों को बाहर निकाला। झारखंड के रांची में यास तूफान का असर, भारी बारिश से निचले इलाकों में भरा पानी। विशाखापट्टनम से सात नेवी टीम ने पश्चिम बंगाल में संभाला मोर्चा, दीघा, फ्रासरगंज और डायमंड हार्बर में राहत अभियान चलाया। देश में कोरोना से एक दिन में 2,11,000 से ज्यादा लोग पाए गए पॉजिटिव, 3,847 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र में कोरोना से 24,752 लोग संक्रमित, 453 लोगों की मौत। दिल्ली में 1,491 कोरोना के नए मरीज मिले, 130 मरीजों की मौत। यूपी में 3,337 नए मरीज मिले, 10,540 मरीज रिकवर। बंगाल में कोरोना के 16,225 नए केस, 153 लोगों ने गंवाए जान। मध्य प्रदेश में कोरोना के 2,182 नए केस, बीते 24 घंटे में 72 लोगों की मौत। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,124 लोग संक्रमित, 6,397 संक्रमित ठीक हुए। राजस्थान में करीब 4,000 नए मामले, 107 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस मिले, 36 मरीजों की हुई मौत। बिहार में कोरोना के 2,603 नए केस मिले, राज्य में 30,000 से ज्यादा एक्टिव केस। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,138 नए मामले, 106 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1,365 नए मामले सामने आए, 44 कोरोना पेशेंट्स की गई जान। लॉकडाउन खोलने को लेकर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग कल, LG की अध्यक्षता में होगी बैठक। कोरोना नियमों का उल्लंघन कर बीच सड़क पर मनाया गया शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी का जन्मदिन, सड़क पर वाहनों को रोक कर जमकर की आतिशबाजी। लॉकडाउन के दौरान मुंबई के थाने में हुई बैलगाड़ी रेस, लोगों की भीड़ उमड़ी, कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन। कर्नाटक में लगा सख्त लॉकडाउन तो शराब की दुकान पर उमड़ी भीड़, कोरोना नियमों का हुआ उल्लंघन, लगी लंबी कतार। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों के लिए खतरे को भांपते हुए BMC और महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की तैयारियां। कोविड केयर सेंटर्स में बच्चों के लिए किए जाएंगे खास इंतजाम। भोपाल में सड़क पर लोगों के बीच पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, लोगों से की कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की अपील। आंध्र प्रदेश सरकार ने 10वीं की परीक्षा स्थगित की, कहा जुलाई में फिर से समीक्षा की जाएगी। वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू में शटर गिराकर चल रहा था साड़ी और इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार, पुलिस ने छापेमारी कर 6 लोगों को हिरासत में लिया। भागलपुर में लॉकडाउन में बिना वर्दी दौरे पर निकले सिटी एसपी पूरन झा, नियम तोड़ने वाले दुकानदारों को लगाई फटकार, पुलिस वालों को भी डाटा जाराम फरमा रहे थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया TV YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया TV के साथ।